सो हे गाइज, वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने बात किया था कोड सेपरेशन के कंसेप्ट के बारे में। सो लास्ट वीडियो में जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम आया था और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है बेसिकली हमने सोचा था कि हम अपने कोड को जो है सेपरेट करेंगे। और सेपरेट करने के लिए जो है बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम यूज करते हैं मॉड्यूल का कंसेप्ट। सो अभी ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इसका यूज जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम किस तरीके से करते हैं, वो चीज़ें जो है हम आज के इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम गवाए जो है सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होता है और देन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इस मॉड्यूल के थ्रू जो है इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मॉड्यूल्स को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन लाइन है। इस तीन लाइन से जो है आप मॉड्यूल को समझ सकते हैं, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा जो है एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या था हमारे पास। सो लेट्स अज्यूम अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको मल्टीपल जो है फीचर्स मिल रहा है और सारे फीचर्स को अगर एक ही फाइल के अंदर अगर रखते हो तो आपको जो है कभी भी कोड अगर डिबग करना हो या अंडरस्टैंडिंग करना हो तो या उस कोड को अगेन मेंटेन करना, कुछ चीज़ें चेंज करना हो तो ये चीज़ें जो है हैक्टिक था। एज ए ह्यूमन जो है हम उस चीज़ों को इतना ईजिली नहीं कर सकते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने सोचा था कि सेपरेट करेंगे अपने कोड को जो है सेपरेट करेंगे। लेट्स अज्यूम आपके पास जो है कुछ लाइन ऑफ कोड है जो कि यूजर के इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, तो उसके लिए जो है एक अलग से फाइल बनाएंगे और वहाँ पे जो है यूजर का इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएंगे और जहाँ पे भी हमें लगेगा कि उस यूजर का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन को जो है हम यूजिंग मॉड्यूल जो है लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पे मॉड्यूल जो है बेसिकली क्या काम करते हैं। सो मॉड्यूल लाइक अ कंटेनर, आपके पास जो है कंटेनर है, लेट्स अज्यूम ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है आपका सारा फंक्शन जो भी आप कोड लिख रहे हो वो सारे कोड जो है यहाँ पे, लेट्स अज्यूम आप 10 लाइन का कोड लिखो या 100 लाइन का लिखो तो सारा कोड जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। सो मॉड्यूल जो है हमारा एक कंटेनर की तरह जो है काम करता है, उस कंटेनर के अंदर जो है आपका सारा कोड भरा होता है। अब लेट्स अज्यूम आपको एक ऐसे API को कॉल कर रहे हो जहाँ से जो आपको यूजर का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सो आप क्या करोगे एक मॉड्यूल के अंदर जो उस यूजर का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करा लोगे। सो लेट्स अज्यूम ये मेरा यूजर इन्फो नाम का जो है कोई एक मॉड्यूल है, इसमें जो है यूजर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा। सो यूजर का नेम हो सकता है, अगर API कॉल कर रहे हो तो यूजर का नेम आएगा, देन मे बी आप उस API से जो ईमेल ले सकते हो, यूजर का फ़ोन नंबर होगा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे अकाउंट नंबर और जो भी इन्फॉर्मेशन जो API से मिल रहा है वो आप जो है इस मॉड्यूल के अंदर जो है लेट्स अज्यूम आपने स्टोर कराया। अब आपको क्या लगा कि जो आपने यूजर का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर कराया है इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको किसी दूसरे फाइल में जो है नीड है, आप एक ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करो या एक ऐसे फीचर्स पे जो है काम करो, लेट्स अज्यूम यूजर का जो है प्रोफाइल आपको शो कराना है UI पे, तो इसके लिए आप एक कहीं फंक्शन लिखोगे या कोई काम करोगे, तो अब यहाँ पे यूजर का जो है नेम आप शो कराओगे तो ये नेम जो है आपके पास ऑलरेडी यूजर नाम के मॉड्यूल के अंदर है, तो आप क्या करोगे इस यूजर नाम के मॉड्यूल से जो इसको एक्सपोर्ट करोगे, इसको यहाँ से जो है पब्लिकली ओपन कर दोगे। ये नेम को जो है हम पब्लिकली बोलेंगे कि आप इसको जो है कहीं पे भी भेजो और ये नेम जो है यहाँ से पब्लिक हो गया। अब इस नेम को जो है हम डायरेक्ट अपने इस वाले कंपोनेंट के अंदर इस वाले कोड के अंदर जो है हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा एक कंपोनेंट, एक मॉड्यूल जो है काम करता है, मॉड्यूल इन द सेंस मैं यहाँ पे कंपोनेंट बोल रहा हूँ। सो मॉड्यूल के अंदर जो है आपके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई भी डेटा आ रहा है तो उस डेटा को जो है पब्लिक भी कर सकते हैं और आपके अंदर जो है ये प्राइवेट भी करने का फैसिलिटी है। अगर यूजर का अकाउंट नंबर है, आपने API से जो है कॉल किया, अब आप चाहते हो कि अकाउंट नंबर जो है पब्लिक नहीं होना चाहिए, उसको हम कहीं और एक्सेस नहीं देंगे, तो उस अकाउंट नंबर को जो आप पब्लिक रखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी मॉड्यूल के अंदर जो है एक्सेस होगा। तो ये काम जो है हमारा करता है मॉड्यूल। और यहाँ पे जो है मैंने यही चीज़ लिख रखा है कि मॉड्यूल्स आर अ सेल्फ कंटेनर यूनिट ऑफ द कोड, मतलब कुछ कोड का जो है एक कंटेनर होगा, सेल्फ कंटेनर, जो कि इनकैप्सुलेट करता है फंक्शनलिटी। इनकैप्सुलेशन मतलब छिपाना, आपके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को हाइड या पब्लिक कर सकता है। तो ये हमारा जो है मॉड्यूल्स होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है अलाउ द ब्रेक कोड इनटू लॉजिकल पीसेस। सो अगर आप मान के चलो कोई ई कॉमर्स साइट पे जो है काम कर रहे हो, सो अभी ई कॉमर्स साइट को अगर आपने देखा होगा, लेट्स अज्यूम फ्लिपकार्ट का ही बात करते हैं, तो अभी फ्लिपकार्ट में जो है बहुत सारे हमारे पास फीचर्स हैं। एक फीचर्स होगा जहाँ पे हम प्रोडक्ट शो कराएंगे, एक फीचर्स होगा जहाँ पे हम यूजर का उसका प्रोफाइल शो कराएंगे, एक फीचर्स होगा जहाँ पे जो है हम कार्ड रिलेटेड काम करेंगे। तो ये सारे फीचर्स जो है हमारा अलग अलग जो है जगह पे बन के तैयार होगा। अगर ये सारे फीचर्स एक ही फाइल में रखूँगा तो ये क्या हैक्टिक हो जाएगा ना, हैक्टिक ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो इसको जो है हम क्या करेंगे अलग अलग मॉड्यूल के अंदर रखेंगे और उसके बेसिस पे अभी कोई सा भी मेरे को मॉड्यूल नीड लगेगा सो उस मॉड्यूल को
डायरेक्ट जो हम पब्लिक करके उसको एसेस कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट का जो मतलब प्रोडक्ट के लिए जो हमारा एक मॉड्यूल होगा, यूजर के इन्फॉर्मेशन के लिए एक होगा, कार्ड के लिए जो एक मॉड्यूल होगा। तो ये इस क्या कर रहा है, लॉजिकल जो है पीसेस में हमारे कोड को जो है कन्वर्ट करता है। और साथ के साथ यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, मेक द एप्लीकेशन ईजियर टू अंडरस्टैंड टेस्ट एंड मेंटेन। सो देखो, अगर आप अपने कोड को जो है सेपरेट रखोगे, फीचर्स वाइज रखोगे, एक में आपने कार्ड का बना लिया, एक में प्रोडक्ट का बना लिया, एक में यूजर का इन्फॉर्मेशन बनाया, तो अगर ये तीनों सेपरेट सेपरेट है और इन फ्यूचर आपको कभी नीड आया कि यूजर के प्रोफाइल को जो है हमें चेंज करना है, उसमें जो है कोई चेंजेस करना है, तो आप जो है इस दो मॉड्यूल को कोई भी चेंजेस नहीं करने जाओगे। आपके पास जो दो मॉड्यूल है उसको एटीज रखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ जाओगे, यूजर वाले मॉड्यूल के अंदर जाओगे और वहाँ पे जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस जो है कर सकते हो। तो मॉड्यूल जो है हमें क्या करता है, कोड को जो है मॉड्यूलर बनाने में जो है हेल्प करता है। सो ये हमारा होता है मॉड्यूल्स, जिसके थ्रू जो है हम अपने कोड को सेपरेट फाइल के अंदर जो है हम रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये मॉड्यूल का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अराइज होता है कि हम इस मॉड्यूल को जो है यूज कैसे करेंगे। सो मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमारे पास जो है दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो था हमारा ES6 मॉड्यूल। यहाँ पे नाम से भी क्लियर है, ES6 मॉड्यूल्स के थ्रू जो है हम एक फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे फाइल में जो इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये जो हमारा ES6 मॉड्यूल है, ये 2015 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जावास्क्रिप्ट जो 2015 से पहले भी अवेलेबल था, तो उस समय जो है हम अपने कोड को कैसे मॉड्यूलर बनाते थे, तो उस समय जो है हम यूज करते थे ईफी फंक्शन। सो आई होप आपको ईफी फंक्शन का जो है कंसेप्ट आता है। 2015 से पहले जो है हम अपने कोड को मॉड्यूलर बनाने के लिए जो है हम यूज करते थे ईफी फंक्शन। लेकिन आज के टाइम में जब हमारा ES6 आया है, ES6 मॉड्यूल को जो है हम यूज करते हैं और इसके थ्रू जो है हम अपने कोड को मॉड्यूल्स के रूप में जो है कन्वर्ट करते हैं। और एक चीज और है जो कि हम यूज करते हैं, वो है मेरा कॉमन JS मॉड्यूल। सो कॉमन JS मॉड्यूल के थ्रू भी जो है हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कॉमन JS मॉड्यूल जो है वो वेब के अंदर जो है यूज नहीं होता है। वेब इन द सेंस, अगर आप फ्रंट एंड में अगर कॉमन JS मॉड्यूल यूज करोगे तो ये चीज़ें जो है नहीं यूज होगा। जो हमारा कॉमन JS मॉड्यूल है वो हमारा यूज होता है Node.js के साथ। सो Node.js जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन है जो कि बैकएंड में यूज होता है। सो जब कभी भी अगर आप Node.js या बैकएंड की तरफ अगर जंप करोगे जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, तो वहाँ पे जो है आप यूज कर सकते हो कॉमन JS मॉड्यूल। और Node.js में जो है हम कॉमन JS मॉड्यूल को यूज करने के लिए जो है रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज करते हैं। अगर आप कभी सुने हो कॉमन JS मॉड्यूल के बारे में, या आप नोट पे कभी भी थोड़ा बहुत काम किए हो, तो आपको जो है ये रिक्वायर्ड कीवर्ड जो है समझ में आएगा। सो ये जो है हमारा कॉमन JS मॉड्यूल, ये बेसिकली हम Node.js के अंदर यूज करते हैं। वेब में जो है हम या तो ES6 मॉड्यूल यूज कर सकते हैं या ईफी फंक्शन के थ्रू जो है हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा मॉड्यूल्स क्या है और इसको जो है हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, कैसे हम अपने कोड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आज के लिए इतना ही। मॉड्यूल्स का जो कंसेप्ट है आई होप आपको समझ में आएगा। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जंप करते हैं।